दोस्तों गुड मॉर्निंग। आज का व्लॉग मैं शुरू कर रहा हूँ भवाली से। मैं इस समय भवाली में हूँ और बारिश चल रही है और ये सामने से आप हसीन नज़ारे देख रहे हैं। ये नीचे की तरफ ये ग्रेफियरा भवाली में और ये सात ताल के लिए रोड यहीं से जाती है। मेरा गांव, ये पूरा इलाका मेरा गांव का आ जाता है, तो बहुत बेहतरीन हो रहा है। और मेरी हालत आप देख सकते हैं, अभी इस समय काफ़ी गीले हो चुके हैं। रावत जी भी थोड़ा भीग गए हैं और अभी यहाँ से हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो मज़ा आ रहा है। बारिश का भी एक आनंद है, मानसून की बारिश है। ऐसा नहीं है कि बहुत ठंडा लग रहा हो, सर्दियों में होता तो बड़ा ख़तरनाक हो जाता, तो इसका मज़ा ले रहे हैं अभी हम लोग। मेरे ख्याल में दिन के अब 2 बजने वाले हैं, तो गुड मॉर्निंग इसलिए क्योंकि ये व्लॉग मेरा मॉर्निंग में ही आएगा। और कैची धाम के बाद यहाँ से हम आगे की यात्रा शुरू कर रहे हैं। हेलो एवरीबॉडी, भवाली से निकले तो एकदम से बारिश बढ़ने लगी थी, तो अभी यहाँ मैं अपने रिलेटिव के यहाँ रुक गया हूँ। बीच में ऑन द वे था तो मैंने कहा चलो यहीं पर एक ब्रेक लेते हैं, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा भीग जाएंगे। अभी तो हमें आगे बढ़ना है। मैंने बाइक भी ये अभी शेड में लगाई हुई है, बारिश हो रही है, हल्की हल्की बारिश चल रही है, तो अभी 1-2 घंटे हो गए हमें यहाँ आए हुए और अभी थोड़ा सा और रुकेंगे। और जैसा कि मौसम दिख भी रहा है कि खुल रहा है, सामने आसमान साफ होता जा रहा है, तो आई होप सो 1-2 घंटे में क्लियर हो जाएगा। तो ये ब्रेक के साथ मुझे लगा कि आपको मैं कुछ चीज़ें दिखाऊँ और बड़ा अच्छा लगेगा आपको। एक पहाड़ पे अगर आप आते हैं तो इस तरह की एक लोकेशन पे घर हो तो एक अलग ही मज़ा है उस चीज़ का। और यहाँ पूरी पेड़ अलग अलग लगाए हुए हैं। यहाँ पर देखिए, ये कड़ी पत्ते का पेड़ इन्होंने लगाया हुआ है। मैं काफ़ी सालों से कई बार यहीं से कड़ी पत्ते ले जाया करता था, अलग अलग तरीके पेड़ लगे हैं। ये एक तेज पत्ते का पेड़ मैंने उस दिन आपको द्वाराहाट में भी दिखाया था, तो ये बहुत बड़ा हो रखा है इस समय। और ये पौंड इन्होंने बनाया हुआ है, पौंड मछली नहीं है पर इसमें। तो बिल्डिंग्स वगैरह में जब हम रहते हैं, फ्लैट्स में रहते हैं, पर वो चीज़ एक अलग है और इस तरीके से एक घर में रहना, इसका मज़ा ही कुछ और है। तो एक बिल्कुल प्रकृति के साथ मिलके रहना। आजकल बहुत सारे रिजॉर्ट्स हैं तो लोग क्यों जाते हैं रिजॉर्ट में, कि इस तरह का एनवायरनमेंट उन्हें मिलता है, बैठे हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं। सो यहाँ पे मुझे बड़ा मज़ा आता है। जब भी मैं यहाँ से गुज़रता हूँ तो ज़रूर यहाँ पे एक दिन का स्टे मेरा रहता ही रहता है और इसका मज़ा ही कुछ और है। और देखिए, ये स्पेशली अगर आप यहाँ पर ये नक्काशी देखेंगे, ये एक डिज़ाइन की, आजकल ये नक्काशी मिलती नहीं है, तो इस तरह की जो चौखट होती थी वो चौखट आपको मिलेगी नहीं। ये किसी गांव से स्पेशली ये मंगवाई थी, अजीब लगेगा बट यहाँ इनको बड़ा शौक़ है इस तरह की चीज़ें कलेक्ट करना और इसको लगाना। ये देखिए, ये पहाड़ों में आप पुराने गांव में अगर जाएंगे वहाँ इस तरह की नक्काशी आपको देखने की मिलेगी। आजकल तो ये काम ख़त्म होता चला गया है, अब तो स्टील, लोहा या इस तरह की चौखट ये लगती हैं। और ये इनका डॉगी। हाँ जी, क्या हाल है, कैसा है? इसको बांधा हुआ है अभी, ये बहुत इधर उधर भागता है, भीग जाएगा तो फिर इसमें स्मेल आने लगती है, तो केयर करना पड़ता है। क्यों भाई? हाँ जी, रेस्ट ले रहे हो, बैठा है, आ जाओ। क्या हाल है? गुड। बांध रखा है तुझे? खोल दूं, अंदर चलेगा?
बैठ जा, इसको मसाज करते ना बड़ा मजा आता है। मैं अभी आपको अंदर लेके चलता हूँ और एक अंदर देखते हैं चाय बन गई है या नहीं बनी, अभी बनाई नहीं बनाई, सब बातों में लगे। हाँ जी, अच्छा, चाय चाय बन गई, चाय बना रही हूँ। ईजा हाँ, चाय चाय पियोगे कॉफी? चाय बनाए क्या? मैंने तीन बार चाय पी थी, मैं कुछ नहीं पीऊंगी। पेट ऐसी नहीं होता, पेट साफ नहीं होता, पहले वो पता ही है तुम्हें। तो ज्यादा चाय नहीं पीती हो तो क्या पियोगे? भरत जी क्या लोगे? भरत क्या बनाऊं तुम्हारा? चाय पी लेंगे, अदरक वाली बनाओ, चाय बढ़िया अदरक वाली चाय, बारिश में अच्छा भी लगता है ना। हम भी चाय पी लेते, मैं तो कॉफी भी ले लेता हूँ, चाय पियेंगे हम लोग। चाय बनाती हूँ अदरक की, बढ़िया सी बरसात का मौसम, चाय सबको चाय पिलाई जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल चाय पिलाई जाएगी। ये हमारी ईजा है। ईजा मैं क्या कर रहा हूँ पता है? क्या चल रहा है यहाँ पर? क्या चल रहा है? बैठे हैं ये, बैठे हैं, बारिश लग रही है, दो दो तीन दिन बाद चाय पी रहे। पर ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये वीडियो क्या बन रही है? आप वीडियो बना रहे हो, बैठे हैं और क्या कहते हैं, लड़की चाय बना रही है, ये बाहर बारिश लग रही है, बाहर बारिश लग रही है, खड़े कोने इधर है और एक ये पता नहीं कोई दिख रहा है मुझे अंधेरे में एक व्यक्ति, तो ये छुप गया है क्योंकि इसको पता है मैं ब्लॉग ब्लॉग बना रहा हूँ। ईजा को तो पता नहीं है कुछ भी क्या चल रहा है, तो हम तो ईजा के साथ बैठे बातें कर रहे हैं, पर उसको पता है कि ब्लॉग है और सारी दुनिया देखेगी, इसलिए वो छुप गया। हाँ भाई, ब्लॉग भी नहीं है ना, वो कह रहा है मैं अपने ब्लॉग बनाऊंगा तभी आऊंगा, मैं लॉन्च करूँ अपने आप को। तो दोस्तों चाय के बाद फिर निकलते हैं, क्यों भरत जी निकले? निकलते हैं थोड़ी देर में। चलो ये हो गया, अब ये दोस्तों ये नई बाइक ली है अनु ने, मेरे दीदी का लड़का है और इसने कहा ट्राई करो, तो मैं ट्राई कर रहा हूँ इसको। पहली बार मैंने इस तरह की बाइक चलाई है, तो KTM सभी दीवाने होते हैं, मुझे क्रूज बाइक पसंद है, बट मैं KTM पहली बार देख रहा हूँ और देखते हैं इसका ट्रायल ले, तो ट्राई करके देखता हूँ। मज़ा आ गया, इसका अलग ही फन है, मतलब इस क्रूज बाइक से तो इसका डिफरेंट फन है, बट मेरा इंटरेस्ट क्रूज ही है। तो बढ़िया लगा, मज़ा आया। अच्छा, चिलम चिलम का पास ठुल्ली चिलम, दीदी भी पीती थी क्या? ना मैं पोने थी, मेरे याद है दीदी का ना, मैं आज ऐसे तो गोले थोड़ा था हाथ में नारुले ऐसे करती गुड़ 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 मुझे याद है, आवाज आती थी इसमें है ना, आज कॉली ए बादू साल तब ने वो का गुड़ गुड़ सुन लो बाग के पानी ने बे उमर शौक 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 ला रहे साज हमारे बोगा सेंट प्रेशर जेल बोए सब तमाम हुआ है सब उसे पीते होंगे जो अभी नई बहु है वो नहीं पीती होंगी, जो पुरानी वो सब पीती होंगी। अच्छा, खेतों में गोने गए कनावा बैठा दूध जलाए बारिश आ रहे जब अरे जो ला रहे मुझे हमारा गोट बैठ गया जाइए द्वारा सब वाला भाई अच्छा गोट में बैठ गया। तो अभी बारिश बंद हो गई है, अब निकल रहे हैं यहाँ से, सबको टाटा वाटा कर लिया है, बस यहाँ से अब हल्द्वानी की तरफ चलते हैं, अभी भीमताल आएगा, झील पर पहुँचते हैं अभी फर्स्ट ऑफ ऑल। जी बैठो चलो, ओके बाय बाय बाय। Thank you.
बादलों के बीच में बोटिंग चल रही है। बात है पहाड़ों पे हर मौसम में आपको एक अलग नजारा मिलेगा, हर मौसम की सुंदरता है। हाँ। जीवन चलता रहेगा और नई नई चीजें हम देखते रहेंगे, तो मेरी आंखों से इसको देखिए। और ये डेवलप भी हो रहा है अब काफी, यहाँ पे ये डेवलपमेंट चल रहा है। नैनीताल ज्यादातर लोग जाते हैं, वहाँ भीड़ बहुत रहती है, बट भीमताल एक अनटच एरिया है, पीसफुल भी है। ये आगे जाके रोड वहाँ पर खत्म हो जाएगी, एंड हो जाएगा। नकुचिया ताल के लिए भी रास्ता इधर से ही है, तो वो ताल पे जाना है तो एक और ताल है, तो ताल ही ताल है यहाँ पर। अगर नकुचिया ताल है जाते, हाँ इस तरफ से जाना पड़ेगा 4-5 किलोमीटर के उसमें। तो अभी तो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर रुक गए हैं, भरत जी कह रहे हैं कि भुट्टे खाने, और भैया हमारे लिए भुट्टे तैयार कर रहे हैं बढ़िया फर्स्ट क्लास। यहाँ तो सीजन चलता ही रहता है सर, इस रोड पे शुरुआत हो गई, तो पेड़ मिल रहे हैं, यहाँ तो हमेशा रहता है भुट्टे का मोस्टली। अब मतलब दो महीने पहले से शुरू हो गया था जल्दी। यहीं से नजारा देखो, हल्द्वानी हमें दिख रहा है पूरा, भुट्टे का आनंद लिया जाएगा। आप खेती होती है क्या? हाँ नीचे नीचे ही होगा, नीचे।
ये चटनी लग गई है, बढ़िया मज़ा आ जाएगा। बस ये लीजिए सर, मास्क उतार के खाना पड़ेगा। टेस्ट करके देखें हम कई बार मास्क पे ही लगा लेते हैं हम लोग ऐसा भी हो जाता कभी कभी। तो मेरे लिए तो अभी तैयार हो रहा है और सर को मज़ा आ गया। इस तरह का भुट्टा अलग ही है, गांव में तो आप खाते रहते हो पर चटनी के साथ अलग मज़ा है ना। मिर्ची वाली चटनी है ये। तो राजेश पुदीने की है ये, राजेश पुदीने की चटनी है। हाँ पुदीने की। तो राजेश यूट्यूब देखते हो? हाँ। तो आप हमारे सब्सक्राइबर बनोगे तो आज आपको खुद अपनी तस्वीर भी उसमें दिखाई देगी। हमारा ब्लॉग चलता है तो उसमें आप चेक कर लेना उसको। तो आज राजेश के हाथ के हम भुट्टे खा रहे हैं। तो स्कूल खुल रहे हैं अभी 2 तारीख से। हाँ तब तो स्कूल जाना पड़ेगा 2 साल बड़े मजे ले लिए तो पार्ट टाइम तक स्कूल से छुट्टी होने के बाद ही तुम यहाँ पर कोई और बैठेगा? 1 बजे आएंगे उसके बाद ही बैठेंगे। तो ये भुट्टा हमारा भी तैयार ही हो गया है। तो राजेश के हाथ के भुट्टे खाते हैं और एंजॉय करते हैं इस नज़ारे को देखते हुए। तो कभी भी आए भुट्टे ज़रूर खाएं। यहाँ पर इस रोड पर हर जगह आपको बहुत लोग मिलेंगे भुट्टे बनाते हुए। चलें सर राव जी। सो एट लास्ट घर पहुंच गए। ये रिलेटिव का घर है हमारे और ये मेरा भतीजा है, अभी स्टडी कर रहा है। तो अब मैं यहाँ पर व्लॉग का एंड करने जा रहा हूँ। सो गाइज कीप वॉचिंग माई व्लॉग। कल नए दिन की शुरुआत नए व्लॉग से करेंगे एक नई जर्नी के साथ। अभी ब्रज जी बैठे हुए हैं बातचीत कर रहे हैं। मैंने कहा अभी मैं सबको बाय बाय कर देता हूँ। और जो लोग नए आए हैं इस ब्लॉग में प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा मेरे चैनल को। आज हमने बहुत कुछ नया देखा, कुछ सीनिक व्यूज़ थे। तो ट्रैवलिंग रही है तो ट्रैवलिंग में कुछ मैंने लोकेशंस को दिखाया है, बातें तो हमारी बहुत कम हो पाई हैं। और गाइस डोसा बड़ा मज़ेदार था, सो एंजॉय करिएगा। कभी आप हल्द्वानी आए तो मद्रासी डोसा ज़रूर खाइएगा। सो कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। सो टाटा।